वो व्योम ही था। एहसास तो तुझे हो ही चुका है, देखना जब उस एहसास की शक्ति तेरे सामने आएगी ना, तो वो चेहरा भी व्योम का ही होगा। मोहब्बत उस इंसान की तलाश नहीं जिसके साथ रहा जाए, बल्कि उस इंसान की तलाश है जिसके बगैर जिया ना जाए। मेरा सीन भी कुछ ऐसा ही। आई कांट लिव विदाउट यू, और इसीलिए तुम्हें एक चांस तो मुझे देना ही पड़ेगा। कॉफी तो अच्छी बना लेते हैं रामू काका। मेरी याद कयामत की तरह है शरण्या, याद रखना, आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आई तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। विल मेक आवर ओन मेमोरीज। अब तो मुलाकात होती रहेगी। शरण्या जो वापस आ गई है, लेकिन ये मेरी शरण्या नहीं है। अब मैं आपकी पूजा तभी करूंगा जब वो मेरी हो जाएगी। अब इसे आप मेरी जिद समझे या जुनून, बाथरूम का बल्ब बस्ट हुआ है, नो वरी। आई नो एवरीथिंग इज ओके, तभी तो कह रही हूँ मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। आखिर चले क्यों नहीं जाते हो तुम यहाँ से? मैं इंतजार कर रहा हूँ। किसका? तुम्हारे भरोसे का और अंकल आंटी के आने। भरोसा जीता जाता है व्योम, फोर्स नहीं किया जाता। और रही बात मम्मा पापा की, तो वो लोग आ जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे अकेले रह सकती हूँ। मुझे पता है तुम रह सकती हो, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बी विद मी, टू ट्रस्ट मी। मैं इंतजार कर लूंगा, फिर वो इंतजार चाहे कुछ पल का हो या जिंदगी भर का। जो मुकम्मल नहीं हुआ वो एक किस्सा बाकी है, जब मौत अपने पर आएगी वो एक हिस्सा बाकी है। व्योम, शरण्या,
अरे भाई मुझे तो और एक प्लेट खाने का मन कर गया। शरण्या, व्योम। बेटा सब ठीक है ना? अकेले टाइम स्पेंड करने का कोई रिजल्ट बाहर आया कि नहीं? व्योम बात सुनो। व्योम रुक जाओ। व्योम, शरण्या ने कुछ कहा तुमसे? She doesn't need me. चलता हूं मैं। Listen to me, व्योम। व्योम, ये लड़की भी ना अपना जाने क्या कह दिया इसने व्योम से। इसलिए पापा प्लीज मुझे खुद से ये लड़ाई लड़ने दो। अभी मैं व्योम के साथ किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। आपने तो हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया है ना पापा। जब मैं पहली बार बचपन में चलना सीखा था, जब पहली बार बस में गई थी, तब और पहली बार जब गाड़ी चलाना सीखा था, तब मैं हमेशा डरती रही, लेकिन आपने हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया। एक बार फिर पापा प्लीज ट्रस्ट। शरू, शरू, ये आदित्य वाली हरकतें तूने कब से शुरू कर दी? अरे तू तो मेरा शेर बच्चा है, शेर। पानी पी। मेरा बच्चा, जब तू 2 साल जिंदगी और मौत से लड़के वापस आ गई, तो फिर ये डर क्या चीज है? इसे भी तो जीत ही लेगी। आई नो बार बार मैं तुम्हें एक ही बात कहती हूं, बट आई मीन इट। इट्स ओके। वैसे सिर्फ सॉरी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने तुमसे। इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि तुम पे ट्रस्ट करने में अभी मुझे टाइम लगेगा। तुम्हारे लिए कुछ फील करना, तुमसे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। टेक योर टाइम शरण्या, पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली मैंने पापा से बात की थी। अंकल आंटी तो प्रेशराइज करेंगे शरण्या, उनकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। पर मेरी तरफ से ऐसी कोई जल्दी नहीं है। एंड शरण्या, शरण्या, हेलो हेलो शरण्या, आर यू देयर? हेलो शरण्या, I'm not drunk, Rajan. Listen, I'm not drunk, okay? I'm not drunk. मेरी बात कोई क्यों नहीं सुनता?
व्योम को लेकर तुम्हारा प्यार सही है माधवी, पर शरण्या को लेकर तुम्हारी नफरत गलत है। क्यों नहीं समझती? शरण्या ही व्योम की जिंदगी है और तुम मेरी। पर अफसोस, तुम ये बात कभी समझ ही नहीं पाती। सो जाओ। झूठ, सब झूठ। वैसे ये झूठ तुम मुझसे कह रहे हो या खुद से, या फिर झूठ कहते कहते उसी को सच मानने लगे? सो जा माधवी, सो जा, वरना थक जाएगी सच साबित करते करते, क्योंकि आजकल तो लोग झूठ पे जल्दी भरोसा करते हैं। गुड नाइट राजन, गुड नाइट। आज रॉकस्टार के सुर क्यों बिगड़े हुए हैं? अरे भाई, झगड़ा शरण्य के साथ हुआ है तो गिटार से कैसी नाराजगी? अरे झगड़े बगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। डैड, आप मुझे जानते नहीं है क्या? शरण्य चाहे कितना भी मुझसे लड़ ले, कितनी भी तीखी बातें क्यों ना बोल दे, लेकिन उसकी हर तीखी बात मुझे उसे ना छोड़ने का एक और बहाना देगी। वो भी कोमा से बाहर आई है। उसका दर्द, उसका कंफ्यूजन मैं समझ सकता हूं। और उसका डर? यूं अचानक उसे ठंड लगना, फूलों की खुशबू, अचानक हॉस्पिटल के टेरेस पर पहुंच जाना, ये सब उसे वाकई में हो रहा है या फिर? आपको क्या लगता है, उसकी लाइफ में कोई, कम ऑन डैड, आप ये सब बातें कर रहे हैं? वो 2 साल बाद कोमा से बाहर आई है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि उसको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। जो मेडिसिन वो ले रही है, मे भी उसका असर हो। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ऐसे ही पूजा करोगी तो भगवान को लगेगा उन पर भी गुस्सा हो। पत्ती की जगह अगर तुम्हें सुलगा दूं ना, तो यही बैठे रहना सारा दिन भगवान जी के सामने धुआं छोड़ते हुए। बताओ क्या बात है सुमन जी, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, क्या इमेजिनेशन है, ये कैसे मिल जाते हैं ये शब्द आपको? अच्छा अच्छा, ओके, सीरियसली बताइए ना क्या हुआ? हमें ना शरण्या से बात करनी चाहिए,
वो व्योम से किस तरह बर्ताव करती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सुमन जी, प्यार में तकरार, नोकझोंक, ये सब होता रहता है। अब आप ही को देख लो, आज भी ट्रेन की स्टीम इंजन की तरह मुझ पर भाप छोड़ती रहती हो। ये क्वालिटी ना आपकी बेटी ने डेफिनेटली आपसे ली। देखिए राम, मैं भी ना बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। व्योम शरण्या की मदद करने की ही तो कोशिश कर रहा है ना, फिर क्यों दिल दुखाती है वो उसका? मैं भी उससे बात करती हूँ। शरण्या! अरे रुको सुमन जी। मम्मा प्लीज यार धीरे, इस घर में आपका एक बेटा भी रहता है और दीप बाहर गई है साइकिल लेकर। क्या? क्या साइकिल लेकर? और तूने जाने दिया? मैं सो रहा था मम्मा। अरे तेरी तो नींद कभी पूरी हुई है? जब देखो सोता ही रहता है। कितनी घबराई हुई थी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे उसको, उसे अकेले क्यों जाने दिया? सुमन जी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी शरण्या स्ट्रांग है, डोंट वरी। कल देखा नहीं था, कितनी डरी हुई थी वो। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि अदीप का कौन सा पन्ना है? मुझे दिख रहा है पर मैं पढ़ नहीं पा रही। June 24, 2015. Going back home. Big surprise for Mama and Papa. Surprise? College के आखिरी दिन हमने decide किया कि हम देवप्रयाग जाएंगे। राम अंकल और सुमन आंटी से मिलने। College coming to an end, but it gave me my biggest gift in life. With my bestest view. Life is incomplete without you, Dhakka. फ्यूम 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 हर जगह। क्या करूं? एक्सीडेंट हुआ था 30th को, मेरे कॉलेज जाने से ठीक एक दिन पहले। पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। एक तरीका है सच पता लगाने का। फिर से तुम्हें? पापा को और परेशान नहीं कर सकती। पापा आप कह रहे थे ना आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे, है ना? वो देखिए ना वहां पे आइसक्रीम वाला है, चलिए चलते हैं। ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो चॉकलेट आइसक्रीम। हाँ पापा, मैं भी खाऊंगा। मेरी झुमके साड़ी के साथ अच्छे लगेंगे ना? आप कहीं जा रहे हो क्या? वो व्योम की पार्टी है ना, तेरे ठीक होने की खुशी में। अरे तू जब मैं नहीं जा रही हूँ तो आप लोग क्यों जा रहे हैं पार्टी में? अरे नहीं नहीं बेटा, तू कैसे आएगी? तूने तो व्योम के साथ झगड़ा किया है ना। ओफो सुमन जी, ये शर्ट प्रेस कर दीजिए ना प्लीज। हाँ पहले मैं नेल पेंट तो लगवा लूं। पार्टी दी, कौन सी वाली पहनूं, दिस वन और दिस वन? कबर्ड में जो मेरी मैक्सी ड्रेस रखी है ना वो पहन ले। अदिति
प्लीज डी नॉट अगेन. ओहो आदि डोंट वरी. क्या है कि वो पार्टी में नहीं जा रही है ना, इसलिए थोड़ा जेलस फील कर रही है तेरे से. डोंट वरी. सो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? कहर ढा रही हो, कहर, चलती फिरती सुनामी, माइंड ब्लोइंग. थैंक यू. अच्छा सॉरी, मानती हूँ मैं, गलती हो गई मुझसे. क्या कहा? गलती. अच्छा मैं भी आप लोगों के साथ पार्टी में चल रही हूँ, वही व्योम को सॉरी बोल दूंगी. खुश ये बैलू. परफेक्ट. शरण्या यही तो थी. शरण्या अरे यही कहीं होगी, देखो. शरण्या अरे ऊपर तो नहीं गई. शरण्या अभी अभी ऊपर देखो, ऊपर देखो. शरण्या 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 आके खोलो, शरण्या आके खोलो. जिंदगी में तेरी फिर से दाखिला करने, अपनी बर्बादियों का तुझसे फिर किला करने, तेरी जिद खत्म, जज्बात खत्म, जिंदगी खत्म, लौटा हूं खत्म चाहत का सिलसिला करने. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.